Hello friends, welcome to the desk Deva English Spoken Classes. Please do watch this channel. By watching this channel, you can surely learn English. Thank you. Friends, ये आप पिछली क्लासेज में दिए गए सेंटेंसेस के आंसर आप अपने बनाए हुए आंसर से इसको टैली कर लेना, ठीक है फ्रेंड? बच्चे माँ बाप की प्रति छाया होते हैं, इसलिए बच्चों के स्वभाव को देखकर समझा जा सकता है कि माँ बाप कैसे हैं। Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Class. Friends, how are you? Well, na? I am also well, very well. Okay friends, last class I taught you about the what? Positive degree. Okay, nowadays I am teaching you about the degree means comparison. Comparison. I told you that comparison and degree are both are same. Means सिर्फ अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं कि कोई comparison बोलता है, कोई degree बोलता है. तो degree में ही क्या होता है, comparing होता है, किसी से comparison हम करते हैं उसको हम degree बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड? तो हमने positive degree के बारे में जान लिया है, अच्छी तरह से समझ लिया है, और आज हम सीखेंगे क्या. तो first let's start the class of the day. Positive degree, comparative degree and superlative degree. What is all three degree? All three degree means positive. मैं उतना ही लंबा हूँ जितना तुम. Comparative मतलब मैं तुमसे लंबा हूँ. Superlative मैं सबसे लंबा हूँ. समझ रहे ना? Positive में comparison किया जाता है लेकिन समान होता है दोनों तरफ. जिससे हम comparing कर रहे हैं, comparison कर रहे हैं, दोनों को समान बताया जाता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो तेज हो, चाहे वो भोंदू हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो. मीन्स दोनों को सेम बताया जाता है कि रमेश उतना ही काला है जितना कि सूरज, इस तरह से. अभी कंपैरेटिव में हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव में हम कंपैरिजन करते हैं तो किसी एक को कम या ज़्यादा बताया जाता है. जैसे मैं तुमसे छोटा हूँ, तुम मुझसे लंबे हो. कंपैरेटिव डिग्री में किसी भी एक को कम या ज़्यादा बताया जाता है, ठीक है फ्रेंड? तो आइए हम सेंटेंसेस के द्वारा समझते हैं. कम, दिस इज डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री. सी डी, सी डी मीन्स कंपैरेटिव, डी मीन्स डिग्री. तो इसका मेकिंग फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव में ईआर लगता है. इसके एडजेक्टिव में ईआर लगाते हैं, फिर दैन लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं. देखिए, राधा सीमा से लंबी है तो राधा इज, यहां पर एडजेक्टिव है टॉल, तो टॉल में ईआर लगाना है. जितने भी एडजेक्टिव आए उसमें ईआर लगाना है. राधा इज टॉलर, फिर देन किससे लंबी है, सीमा से. सीमा, मैं तुमसे गोरा हूँ, मैं तुमसे गोरा हूँ, तो आई एम, ठीक है फ्रेंड? आई एम फेयर मीन्स गोरा होता है, तो फेयरर हो जाएगा देन यू, ठीक है फ्रेंड? बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल फॉर्मूला कि आप इसमें एडजेक्टिव में ईयर लगाना है और उसके बाद देन फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है फ्रेंड? जैसे तुम्हारे पिताजी मुझसे धनी हैं, तो योर फादर इज, इसमें धनी इज द एडजेक्टिव, तो रिच होगा और रिच में ई आर लगाएंगे. तो योर फादर इज रिचर देन मी, ठीक है फ्रेंड? अब आइए और देखते हैं कुछ इसमें, ये आप लिख लेना. ओके, मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ, मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ. इस तरह के सेंटेंसेस में हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो आइए हम आपका कंफ्यूजन दूर किए देते हैं. आई कैन, इसमें पहले वर्ब लिखेंगे, ठीक है? आई कैन रन,
मैं दौड़ सकता हूँ क्या? फास्ट, इसमें एडजेक्टिव फास्ट है। तो जब भी वर्ब वाला सेंटेंसेज आए उसमें वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर उसमें ईआर लगाएंगे। फास्टर देन यू, वह मुझसे अच्छा गा सकता है, वह मुझसे अच्छा गा सकता है। तो ही कैन सिंग, पहले इतना लिख देंगे हम, ही कैन सिंग क्या? अच्छा, इसमें अच्छा एडजेक्टिव है तो गुड होगा। फ्रेंड गुड में ई आर नहीं लगाएंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ई आर और ई एस टी नहीं लगाते हैं, उसका कुछ और होता है, मैं लिखवा दूंगा आपको लास्ट में। जब सुपरलेटिव बताएंगे तो हम लास्ट में सब बता देंगे कि कौन कौन से वर्ड हैं जिसमें ई आर और ई एस टी नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि उनका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव कुछ और होता है। तो गुड का बेटर होता है, देन ही कैन सिंग बेटर देन मी। ठीक है फ्रेंड, जब भी सेंटेंस में कोई वर्ब है यानी वर्ब वाला सेंटेंस आता है तो उसमें पहले वर्ब तक हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे और या लिखेंगे, उसमें देन फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आइए इसमें जो मेन चीज़ है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ अभी, जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब, जैसे वो मुझसे सुंदर है, ठीक है, वो मुझसे सुंदर है तो ही इज़ क्या लिखेंगे इसमें हम? हैंडसम, मतलब सुंदर होता है, ये एडजेक्टिव हो गया, तो हैंडसमर नहीं लिखेंगे। तो इसी तरह के वर्ड्स जो कुछ लंबे होते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, हैंडसम हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, फेमस हुआ, इंटरेस्टिंग हुआ, इफेक्टिव हुआ, ये सब जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं उसमें कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए ईआर नहीं लगाते और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ईएसटी नहीं लगाते, बल्कि उसमें मोर और मोस्ट लगाते हैं। तो कंपेरेटिव डिग्री में वैसे शब्दों को कंपेरेटिव बनाने के लिए ईआर न लगाकर मोर लगाते हैं उससे पहले। तो वैसे हम सेंटेंसेस लेते हैं, राधा सीमा से सुंदर है, ठीक है फ्रेंड, राधा सीमा से सुंदर है, तो राधा इज, अब यहाँ पे ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है तो ब्यूटीफुलर ऐसा नहीं बोलते हम, ऐसा होता नहीं, तो राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा। ठीक है फ्रेंड, ये चीज आपको समझना है कि मोर कहाँ लगाते हैं। ठीक है, जैसे वह मुझसे लोकप्रिय है, वह मुझसे ज़्यादा लोकप्रिय है तो ही इज मोर पॉपुलर देन मी। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है ना? तो वैसे बड़े बड़े वर्ड्स जो होते हैं एडजेक्टिव के, ये जब ये कंपेरेटिव डिग्री के सेंटेंस में आए तो उसमें ईआर कभी मत लगाना, उसमें उसका कंपेरेटिव बनाने के लिए हम मोर लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे आपके पढ़ाने का तरीका दूसरों से अच्छा है, बेहतर है, तो आपके पढ़ाने का तरीका दूसरों से बेहतर है तो योर टीचिंग मेथड, योर टीचिंग मेथड, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द मेथड ऑफ योर टीचिंग इज बेटर देन अदर। ठीक है, अगर हम इसको ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे पढ़ाने का तरीका दूसरों से ज़्यादा असरकारी है, मीन्स असरदार है, प्रभावकारी है, तो असरदार का क्या होता है? इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव क्या हो गया? लंबा वर्ड हो गया, मीन्स बड़ा वर्ड हो गया, इसमें हम ईआर नहीं लगाएंगे। द मेथड ऑफ योर टीचिंग इज मोर इफेक्टिव देन अदर। ठीक है फ्रेंड, तुम्हारी कहानी फिल्म से ज्यादा दिलचस्प है,
तुम्हारी कहानी फिल्म से ज़्यादा दिलचस्प है. योर स्टोरी इज मोर इंटरेस्टिंग देन मूवी. ठीक है फ्रेंड. लकड़ी लोहा से ज़्यादा उपयोगी होता है. द वुड इज मोर यूजफुल देन आयरन. ठीक है फ्रेंड. तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें बड़े वर्ड्स आए एडजेक्टिव के, उसमें हम ER नहीं लगाकर कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगाते हैं. इतना आप याद रखना. ठीक है फ्रेंड. तो ये था आज का हमारा कंपेरेटिव डिग्री. और आप उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह के वर्ड्स के साथ हम ER नहीं लगाते बल्कि मोर लगाते हैं. ये चीज़ याद रखना ज़रूर. और ER लगाने वाला तो सिंपल है, छोटे छोटे वर्ड्स एडजेक्टिव आते हैं तो उसमें हम ER लगा देते हैं आराम से. स्मॉल, बिग, गुड, मीन्स ये सब ER वाले हैं. बैड, हाँ तो बैड का भी कंपेरेटिव बैडर मत लिखना आप, क्योंकि उसका बैड का वर्स होता है. तो हम सुपरलेटिव डिग्री के टाइम में सब बता देंगे कि कौन सा वर्ड्स है जिसका कंपेरेटिव डिग्री में ER और EST और सुपरलेटिव डिग्री में EST नहीं लगता बल्कि उसका कुछ और होता है. ठीक है फ्रेंड. तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद. फ्रेंड्स ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क. आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझ कर बना लेना. ओके फ्रेंड, बाय.